लिखना लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट है अयोध्या लिखा है उसमें, हमारे शौकत साहब पीछे खड़े हैं, प्रेसिडेंट अयोध्या लिखा है। नहीं नहीं, अरे क्यों, अरे भाई फैजाबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में अयोध्या आता नहीं आता? आता है ना, क्यों नहीं माने? माने समाजवादी पार्टी के विधायक, उनका कहना है कि विधानसभा में एक प्रेयर कक्ष होना चाहिए, तो इस तरीके से बिहार में एक, अरे भाई वो ये इरफान साहब कौन सी पार्टी के हैं? पहले उनसे ये पूछ लीजिए कि अखिलेश यादव की राय क्या है। अखिलेश यादव अपनी मुंह से क्यों नहीं बोलते बात ये? अरे हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जैसा कि हर समाज हर बरादरी की एक पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनकी एक पहचान है, उनकी एक शनाख्त है, उसी तरह इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अकलियत की एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल वॉइस हो, जिसको भारत का संविधान उसकी इजाजत देता है। ये जो मौसूफ का आप नाम लिए, ये सिर्फ इस तरह की बातें करते हैं। जब मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, भारत की आजादी के बाद 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए, उस वक्त तो इनकी जबान बंद थी, गूंगे बने हुए थे। उस वक्त उनको उस मस्जिद याद नहीं आई जो आज मुजफ्फरनगर में वीरान हो चुकी है। तो यही फर्क है, ये चीज हम लाना चाहते हैं। देखिए, मैं जो आजम खान साहब के बारे में कहा था उस पर आज भी कायम हूं। अगर आज वो जिस उलझनों में है, परेशानियों में है, तो उस तरह के पॉलिटिकल जवाब मैं नहीं दे सकता। अगर मेरी नेक तमन्ना है, हमारी ऐन ख्वाहिश है कि अल्लाह सुबहाना व तआला उनकी तमाम मुश्किलात में आसानी पैदा करे। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट जनाब शौकत साहब ने पहले ही आप लोगों को बताया है कि हम लोग आने वाले विधानसभा में 100 सीट पर लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्या क्या, उनसे एक सवाल पूछा गया तो ऐसे साहब ने कहा आप तो लखनऊ के नहीं, आप तो गोरखपुर के। उन्होंने ये कहा कि एक एक का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, पता चल जाएगा कौन कहाँ का। करवा लीजिए, चलिए बाकी है तो आइए डीएनए कराते हैं। चलिए करा लेते हैं डीएनए, आप करा लीजिए, हम तैयार हैं, आप कराएंगे, आपको भी कराना पड़ेगा। अब ये नौबत आ गई कि डीएनए कराएंगे, यानी भारत के संविधान को नहीं मानेंगे, डीएनए को मानेंगे। कहिए, चलिए। सर, आरएसएस के मोहन भागवत ने कहा कि भारत में मुसलमान इन्वेडर्स के जरिए आए हैं, इस्लाम मजहब इन्वेडर्स के जरिए आया है, और जितने भी सेंसिबल लीडर्स हैं उनको ये मांग करनी चाहिए कि जो भी कट्टरपंथी बात करे उसका विरोध करना चाहिए, कट्टरपंथ मुसलमानों का। ये गोलमोल की बात हमेशा भगवत करते हैं, कभी बोले डीएनए हमारा एक है, लिंचिंग करने वाला गलत है, ये एक ही सांस में, ये तो हमेशा रंग बदलते रहते हैं ना अपना, कभी एक बात बोलते हैं, कभी एक बात बोलते हैं। ये तमाम के तमाम संघी लोग जो होते हैं वो हिस्ट्री के बड़े वीक होते हैं। हिस्ट्री अगर पढ़ लेते तो मालूम होता कि वेस्ट कोस्ट पर इस्लाम पहले आया, इन्वेडर से नहीं आया, हिस्ट्री में कमजोर है। तो बताना ये चाहते हैं कि वो जो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, जिसमें गुलवालकर और आपके सावरकर, ये दोनों ही बताते हैं ना कि पुत्र होली लैंड और मदर लैंड की जो गुफ्तगु करते हैं, तो उसी के रोशनी में, उसी को रिक्रिएट करते हुए मोहन भगवत ने बात कही है। और मोहन सुनिए, अरे आपको सुन तो लीजिए, इतना तकलीफ क्यों हो रहा है उनका, इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो मोहन भगवत को जो पहली कॉन्स्टिट्यूशन की किताब बनी गई थी, जो आज भी लोकसभा पार्लियामेंट में है,
उसमें मुगल बादशाह अकबर की फोटो है, टीपू सुल्तान की है, संविधान बनाने वालों ने उनकी तस्वीर डाली, उसके ऊपर क्या कहेंगे वो? तो इसीलिए कह रहा हूँ कि हिस्ट्री में बड़े वीक हैं। वैसे सर, आपके अलायंस पार्टनर हैं ओम प्रकाश धनखड़ साहब, कहने को तो वो आपके साथ जरूर है कि वो कभी भारतीय जनता पार्टी में भी चले जाते हैं बात करने के लिए, कभी समाजवादी पार्टी में भी टच में रहते हैं, तो क्या कुछ स्टेटस क्लियर कर पाएंगे कि आप लोग उनके साथ जा रहे हैं चुनाव में कि नहीं? नहीं नहीं, हम उनके साथ हैं, और एक पिछले बार टीवी कॉन्क्लेव हुआ था यही लखनऊ में, हमारी उनसे बातचीत भी हुई है, इंशाल्लाह सितंबर में हमारी दोबारा उनसे मुलाकात होगी, बात होगी। वैसे साहब, किन किन दलों से अभी तक आपका संपर्क हुआ है? उत्तर प्रदेश में 100 प्रत्याशी आप उतार रहे हैं, और आपने समाजवादी पार्टी को भी एक प्रस्ताव दिया था कि अगर यूपी में उप मुख्यमंत्री मुस्लिम होगा तो ओवैसी की पार्टी उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, क्या आपका कहना है? नहीं, अभी तो प्रस्ताव कहाँ दिए हम, आप लोगों ने नहीं सुने, हम आपने हमसे पूछा था कि क्या आप इनसे अलायंस करेंगे, हमने कहा तैयार है, आप पूछिए उनसे, वो तैयार है नहीं। तो अभी तक आपके पास कोई इस तरह का कोई संकेत नहीं आया? नहीं, आपके नहीं आया तो बता दीजिए, हमारे पास तो नहीं आया। मेरा बयान नहीं, आप ही के जिम्मेदारों ने मुझसे सवाल किया था तो मैंने उसका ही जवाब दिया। हाँ हाँ हाँ, अब लैला की दुश्मनी में तो करते हैं ना पूरे मजनू, तो इनको लगता है कि सपा को या जो भी बीएसपी अगर एक ऐसा हमको अनटचेबल बनाना चाहती है तो हमको कोई एतराज नहीं है, हम उत्तर प्रदेश की जनता में जाएंगे और उनको भी ये पैगाम देंगे कि देखिए ये हमको अनटचेबल बना रहे हैं, और मकसद परेशानी इनको इस बात की है कि जब हम ये कहते हैं कि 19% मुसलमान और आप MY कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, आप 11% और 19% गुलामी आपकी करते रहे, आपकी जय जयकार करते रहे, आपको मुख्यमंत्री बनाए, आपको वोट दे, और आप हिस्सेदारी की जब बात होती है तो बात ही नहीं करते आप। मुजफ्फरनगर का इतना बड़ा फसाद हुआ, मुख्यमंत्री जनाब अखिलेश यादव थे, अगर वो केस चला देते तो आज योगी सरकार मार्च में 77 केसेस को वापस नहीं लेती। ये हर महाज पर ये नाकाम साबित हुए, ये नहीं चाहते उत्तर प्रदेश में ये मुस्लिम माइनॉरिटी की एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप क्रिएट हो, ये उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का मुखद्दर ये बना चुके हैं कि 60% ड्रॉप आउट रेट है क्लास 5 से 5-7 साल की उम्र से 14 साल की उम्र तक, 2% मुसलमान बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, 3% इंटर पास करते हैं, 12th पास करते हैं, ये मुखद्दर बना चुके हैं, जेल में 27% मुसलमान है, ट्रायल है। हम ये बात कर रहे हैं लीडरशिप की, हिस्सेदारी की, तो जाहिर है इनको तकलीफ होगी, और ये जनता देख रही है कि कैसे हर समाज को उनका हिस्सा मिल रहा है। क्या आप समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने अनुप्रिया पटेल को, बागेल साहब को ऐसे ही बना दिया मंत्री? उनकी बरादरी का आउट है, उनकी जात का आउट है, कास्ट का आउट है, तो ये पूरे हर कास्ट की पॉलिटिकल लीडरशिप आइडेंटिटी बन चुकी है। जब बात मुस्लिम्स की आती है और मुसलमानों में ओबीसी मुसलमान की बात आती है, सब कहते हैं नहीं नहीं, इससे कम्युनिज्म बढ़ेगा, कम्युनिज्म बढ़ रहा है, बीजेपी जीत रही है, तो अखिलेश यादव और SP और BSP ने मिलकर अलायंस किया था तब भी बीजेपी जीत गई, इसका जिम्मेदार कौन है फिर? मैं हूं, ये मेरी पार्टी है। मुसलमान ने तो आपको झोली भर भर कर वोट दिया, फिर कहां गया वोट, क्यों नहीं जीत पाए? आज एक एग्जांपल, आज हम रुदौली जा रहे हैं, वहां पर जैदी साहब एक कैंडिडेट होते थे समाजवादी के MLA, वो 2012 में हारे 1000 वोट से, 17 आया तो 31000 वोट से हार गए, और वहां पर यादव साहब जीत गए। बताए ना समाजवादी के लोग कि जैदी क्यों हारे और यादव क्यों जीत गए, इतनी मिसालें हम दे सकते हैं।
खाली मुसलमानों के सहारे आप जो जीतना चाहते हैं, मुसलमानों के सहारे अकेले आप सौ सीटों पर नहीं। आप आपका सवाल बिल्कुल सही है, मैं तो अल्लाह के सहारे जी रहा हूँ और कामयाब हूँ। आपने गलत फहमी आपको, हाँ बिल्कुल मिला रहे हैं भाई, कौन कह रहे हैं नहीं मिला रहे हैं। आपने कहा कि आगे क्या करेंगे, हम तो बिल्कुल चाह रहे हैं। अभी हम राजभर साहब के साथ हैं, मुख्तलिफ हमारे ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं, पार्टीज के साथ हैं। हाँ हाँ, जब राजा यहाँ बैठा है ना आपके सामने, हम खुद बैठे हैं भाई, क्यों आप बात कर रहे हैं। फिर से आप गलत सवाल कर रहे हैं। आप स्टडी करके देखिए, आप एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट हैं। नहीं नहीं नहीं, आपको जिम्मेदार है, आप बड़े पढ़े लिखे हैं, आपको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। कितने अच्छा, आप ठीक है, चलिए अब आपसे बहस होगी। अब बताइए कितने सीट है मैम लड़ी, लड़े कितने, झूठ झूठ झूठ। आप अपना मजाक मत बनाइए, ठीक है, मजाक मत बनाइए, आपकी झूठ साबित होगी, आपकी झूठ साबित होगी, आपकी झूठ साबित। छोड़ रहे ठहरिए, अब सुनिए, अब सुनिए, देखिए आपकी इग्नोरेंस को तो हम नहीं हटा सकते, पर आपको बता रहे हैं। आपने कहा बिहार में 60-70 लड़े हम, आपने कहा ना अभी नहीं लड़े, सुनिए नहीं लड़े, 20 लड़े, 19, चलिए जीते कितने, 5, बाकी 9 सीट पर गठबंधन जीत गया हमारे खिलाफ, 5 सीट, सुनिए सुनिए, 5 सीट पर एनडीए जीत गया, और 9 और 5 के अगर वोट्स मिला भी लेंगे आप, तब भी वो मेजोरिटी के करीब नहीं है जो जीते वो लोग। मेरे भाई जरा रिसर्च कर लीजिए, हम थम्स अप नहीं है, वो थम्स अप लीडरों का जमाना जा चुका है। हाँ, आपका सवाल ये है, आपका सवाल ये है, हम समझ चुके आपका सवाल ये क्या है, और हमारा जवाब ये है कि हम लड़ेंगे इलेक्शन, हम किसी के गुलाम नहीं है, जर खरीद गुलाम नहीं है कि उनको जिताएंगे। हम बहुत 60 साल से सबको जिता रहे, हम जीतेंगे इंशाल्लाह, उत्तर प्रदेश का मुसलमान जीतेगा। कब तक हम इनको खंडों में बिठाकर, कभी अपना बेटा बनाकर, कभी अपना भैया बनाकर, कभी अपना नेता बनाकर, कब तक इन लोगों को जिताते रहेंगे? हम क्या कोई खैती है? अब हम वोट डालेंगे, हम जीतेंगे, संविधान में इनको इजाजत है, और इसमें पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वैसे साहब, कल मोहन भागवत साहब ने पुणे में एक बार फिर से ये कहा है कि हिंदू और मुसलमान के पूर्वज एक हैं, उन्होंने कहा कि हमारी एकता ही हमारा अतीत ही हमारी एकता का कारण है। हां रणवीर साहब बोलिए ना, रणवीर आप कहां है, रणवीर भाई दिख गया, बोलिए, मैं वो जवाब दे चुका हूँ सर उस पर। दोनों को पिछले 2019 के लोकसभा के चुनाव में CSDS का डेटा है 2019 का के 70% मुस्लिम्स वोटेड फॉर, 70% मुसलमानों ने BSP और सपा को वोट दिया, और 50% के ऊपर हमारे हिंदू भाइयों ने BJP को वोट दिया। ये मैंने कहा, हाँ नहीं नहीं, देखिए वो उनके पार्टी का प्रोग्राम है, वो जो करते कर ले, हमारा जो पॉलिसी, हमारा जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो कोशिश है उत्तर प्रदेश में, वो आपके सामने रख रहा हूँ। यूपी के इलेक्शन में तालिबान भी एक मुद्दा होगा, आप क्या सोचते हैं? क्या होगा? तालिबान है, वो कौन 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 बना रहा है? ऐसे नाम लेने से क्या मतलब है, किसी पार्टी का नाम लेने? अरे आप क्यों डर रहे हैं? तालिबान कभी विवादित बयान आया था, बीजेपी कह रही है कि जो तालिबान का सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। ये बोलिए ना, नाम लेके बोलिए तो सुनिए। हाँ सुनिए, हकीकत ये है कि भारत के टैक्स पेयरों के पैसे 35,000 करोड़ रुपये हमने अफगानिस्तान में लगाए, जिसमें
वाजपेयी सरकार भी सत्ता में थी, मनमोहन सिंह की सरकार और मोदी सरकार की 6.5-7 साल, ये 35,000 करोड़ में हमने डैम बनाए। अफगानिस्तान में हमने उनकी पार्लियामेंट बनाई, ईरान से छबार पोर्ट हम बना रहे हैं ताकि वहां से ट्रेड हो सके अफगानिस्तान में। अब वहां पर तालिबान आ चुका है और पिछले 20 साल में हर साल हमने करीब 800 से 900 अफगानियों को अफगानिस्तान से भारत लाकर उनको एजुकेशन करवाया, डॉक्टर, इंजीनियर, इंडियन मिलिट्री अकेडमी पढ़ाया, तो ऐसे 16,000 लोग हुए। हम ऑल पार्टी मीटिंग में गवर्नमेंट मोदी सरकार से सवाल आज की, जो मैं दोहरा देता हूं आपकी आसानी हो जाएगी समझने के लिए, मैंने पूछा कि क्या तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? अगर है तो यूनाइटेड नेशन में भारत सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन है, तो क्या उनको डीलिस्ट करेगा या उनको वैसे ही बरकरार रखेगा? नंबर वन, अगर ये नहीं करते तो क्या आप अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में आप उनको टेररिस्ट लिस्ट में शामिल करेंगे, नहीं करेंगे? आप बताइए ना। और अगर ये भी नहीं करते तो फिर उनको खामोश रहना चाहिए, इस तरह की वाहियात बातें ना करें, जो उनको अपोज करा उसको ये नाम पुकार देंगे। आप सत्ता में हैं, ये सवालात मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में भी किए, पब्लिकली भी किया हूं और आज आपके सामने कर रहा हूं। और मेरा मानना यह है कि अफगानिस्तान में जो तब्दीली आई है वो भारत के लिए ठीक नहीं है। पांचवी बात सुन लीजिए, कल का हिंदुस्तान टाइम्स अखबार, उन्होंने एक CIA के ऑपरेटिव चीफ जो अफगानिस्तान में अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी, गुप्त एजेंसी के वहां पर जिम्मेदार थे, उन्होंने अपने इंटरव्यू में हिंदुस्तान टाइम्स को कहा कि भारत ने भारत के मुसलमानों को दूर करके, उनको एलिनेट करके बहुत बड़ी गलती की। यह अफगानिस्तान के पस मंजर उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। उन्होंने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा कि भारत में ये रिलीजियस और नेशनलिज्म के नाम पर जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं है, उनके अल्फाज हैं। मैं फिर से आपके जरिए से मोदी सरकार से पूछ रहा हूं, वो जो CIA का जो जिम्मेदार आदमी अफगानिस्तान में था, जो ट्रंप सरकार को और बाइडेन को भी उनके लिए एडवाइस का, क्या वो सही कह रहा है झूठ? अगर झूठ कह रहा है तो कंडेम करिए उसको आप। ये हमारे सवाल आते हैं। और जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ है और होने जा रहा है उससे पाकिस्तान को फायदा हो रहा है, बहसियत एक इंडियन के ये हमारे लिए फ्यूचर में ये चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं जिसको सरकार को जवाब देना है। नहीं नहीं, आप मुश्किल पूछिए ना, आप कोई मैथ्स के टीचर तो नहीं है हमारे। किसके सर, पहले उनको अप्रोच तो करने दीजिए, हम तो बात करेंगे, हम तो बोल रहे हैं, हम बात करने तैयार है, वो बात तो करें ना सर। वैसे साहब एक सवाल मेरा है कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उनके पास संगठन है, समाजवादी पार्टी, बसपा पार्टी, कांग्रेस, जो भी है। आपको लगता है हमारे पास नहीं है? आपको लगता है हमारे पास नहीं है उत्तर प्रदेश में सर? आपको आपको एक दिन हम अपनी गाड़ी में लेकर फिरेंगे, 10-15 जिला लेकर जाएंगे और आप थक जाएंगे इतना फिरेंगे, हम आपको बताएंगे संगठन कहाँ है। बिल्कुल है संगठन। आप अगर आप बात कर रहे हैं, एक मिनट, अगर आप बात कर रहे हैं 2017 की तो यकीनन मानता हूं, मगर पिछले 2.5-3 साल में मैं, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट शौकत साहब और तमाम जिम्मेदार, डॉक्टर साहब हमारे उत्तरौला के कैंडिडेट हैं, उन सब ने बहुत से करीब 40-50 जिलों में संगठन को अच्छी तरह मजबूत किया, बूथ लेवल तक बनाने की कोशिश की है। संगठन है, 5 साल पहले नहीं था, मैं मानता हूं उस बात पर, मगर अब है। लेकिन पिछड़ा वर्ग जो है, OBC है और अल्पसंख्यक जो है वो रोडों पे दिखे, लेकिन आपकी पार्टी उनको समर्थन करती नजर नहीं है। रोडों पे दिखे, अभी भी रोड पे हैं। इसने पार्लियामेंट में CAA का बिल फाड़ा? नहीं नहीं, एक मिनट, अखिलेश यादव ने फाड़ा, कांग्रेस ने फाड़ा, कौन किसने राह दिखाई कि ये CAA का कानून
दो मजहब के लोगों को मजहब की बुनियाद पर देश को कमजोर कर रहा है। हमने कहा आज भी हम साथ हैं। हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जरा हमारे नजरिए से बात को देखिए। इसी आपकी बात आपका सवाल सही है मगर वो सवाल में सच्चाई नहीं। वैसे साहब योगी आदित्यनाथ के लिए आपने कहा कि इंशाल्लाह योगी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। आप चुनाव लड़ रहे हैं 100 सीटों पर, फिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा और महत्व क्या है? देखिए आप जानते हैं बीजेपी के एक एमपी हैं पाल साहब, जानते हैं ना, पाल साहब बने थे ना मुख्यमंत्री। हम भी तो पॉलिटिकल स्टूडेंट हैं, पॉलिटिकल स्टूडेंट है। कर्नाटका में येदुरप्पा बने, होता है भाई, हो सकता है, इंशाल्लाह क्यों नहीं होगा। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हराया जाए। हमारा कोशिश होगी इंशाल्लाह ताला कि उत्तर प्रदेश से हम MIM के विधायक बने। हमारी कोशिश होगी कि अतीक साहब और भाभी और जो भी उनके परिवार लड़ना चाहेगा वो विधायक बनकर जाकर उत्तर प्रदेश में जोर से नाइन श्रृंखला आवाज उठाए। तो ये हमारी कोशिश होगी, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। इसमें बुरी बात क्या है, इसमें तकलीफ क्यों नहीं, क्या बात है? 100 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। अरे भाई हमने कहा कि 100 सीट पर तैयारी हो रही है, तो हमने कहा कि 100 से बढ़ेंगी, हो सकता है। क्यों नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, बराबर देंगे। ओबीसी हमारे भाई है, दलित हमारे भाई है, क्यों नहीं देंगे, बराबर देंगे। एप्लीकेशन भी है, बहुत से लोग अप्लाई करे, बिल्कुल देंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे, वोट भी मिलेंगे। ओबीसी समाज के लोग रिजर्वेशन के खिलाफ लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं लखनऊ में। ओबीसी समाज के लोग रिजर्वेशन को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो शिक्षा भर्ती आपकी पार्टी के क्या स्टैंड? वो ये कह रहे हैं, हमने पार्लियामेंट में कहा कि ओबीसी समाज का सेंसस होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मुसलमानों में भी ओबीसी है, उनका भी सेंसस होना चाहिए। और 50% आबादी को 27% क्यों देंगे रिजर्वेशन, और जो 20% है उनको 50% रिजर्वेशन मिल रहा है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहते हैं कि मैं ओबीसी हूं, ये कौन सी मोहब्बत और वफा की बातें प्रधानमंत्री कर रहे हैं? तो देश में कास्ट सेंसस होना चाहिए, और सेंसस के बुनियाद पर ही तो आप पॉलिसी बनाते हैं ना। और भारत को आजाद होकर 70 साल हो गए, तो सेंसस क्यों नहीं होगा ओबीसी का, जब सेंसस में SC ST माइनॉरिटी हिंदू नॉन हिंदू लिखा जाता है, रिलीजन क्या, तो ये क्यों नहीं किया जाता, करना चाहिए। हम बराबर, और आखिरी बात, 50% का ये जो रिजर्वेशन है इसको खत्म करना चाहिए, इसको आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारा पार्टी का, हमने बात पार्लियामेंट में स्पीच में कही, आप देख भी सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।